नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंकाज वर्ड ऑफ न्यूरोलॉजी में और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सबसे अलग और यूनिक है। मैं इसे अलग और यूनिक इसलिए कह रही हूं कि मुझसे कई लोगों ने पूछा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी में क्या अंतर है और ये दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी में अंतर को समझना होगा, तो आइए शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी दोनों ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के मेथड हैं। एस्ट्रोलॉजी में जहां ग्रहों के मूवमेंट के आधार पर वर्तमान और फ्यूचर का पता लगाया जाता है, कि न्यूरोलॉजी में वैसे ही इस काम के लिए संख्याएँ मदद करती हैं। एस्ट्रोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर ग्रहों की गणना की जाती है, जबकि न्यूरोलॉजी में व्यक्ति का नाम और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर इसकी गणना की जाती है और इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि आपने अब तक देखा, एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन के लिए भी डेट ऑफ बर्थ यानी नंबर्स की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह एस्ट्रोलॉजी में प्रयोग होने वाले ग्रह न्यूरोलॉजी के कैलकुलेशन में भी हेल्प करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कौन सा नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरे वीडियोस देखने का मौका नहीं मिल पाया है तो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 सूर्य को, नंबर 2 चंद्रमा को, नंबर 3 बृहस्पति को, नंबर 4 राहु को, नंबर 5 बुध को, नंबर 6 शुक्र को, नंबर 7 केतु को, नंबर 8 शनि को और नंबर 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि हर एक नंबर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है, इसलिए ग्रहों की गति नंबर को भी प्रभावित करती है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी दोनों आपस में गुथे हुए हैं। और अगर आपको मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट जानना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी दोनों की ही रीडिंग को साथ में रख कर देखना होगा। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी के रिश्ते को समझने में आसानी होगी। हम ये नहीं कहते कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी से हम आपका फ्यूचर बदल सकते हैं, लेकिन अपने रीडिंग से आपके प्रेजेंट को बदल कर हम आपके फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।